एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज एक बार फिर से बोलकर प्रैक्टिस करते हुए अंग्रेजी सीखते हैं, बातचीत करना सीखें पे क्लिक कीजिए इसके लिए आप। और यहाँ पे देखिए रेटिंग के लिए कह रहा है, तो आप प्लीज़ रेट कीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल लेटर पे जो है क्लिक करता हूँ, आप इसको रेट कीजिएगा, हमारे ऐप को 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लेसन हैं, तो आज जो है हम लेसन नंबर 50 यानी कि डे 50 जो है स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दैट अगर मान लीजिए किसी रैगिंग की बात अगर करनी हो, उस कॉलेज वगैरह में रैगिंग वगैरह हो रही है, तो इसको इसके लिए कुछ सेंटेंसेस होंगे जो हो सकता है आपको बोलना पड़े, तो वो सेंटेंसेस क्या हैं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इसे पीछे की वीडियो अगर आपको चाहिए तो यू डेफिनेटली कैन गो टू द चैनल, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जो सारी ओल्ड वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, यानी कि डे 49 तक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डे 50। हिंदी में सेंटेंसेस होंगे एंड यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू यू नो ट्रांसलेट दैम, एंड सिंपली दिस इज हाउ यू विल बी यू नो कम्युनिकेटिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द डे 50 पार्ट और देखते हैं क्या है। It is our first day in the college and I am really scared. कह रहा मैं तो बहुत scared हूँ क्योंकि पहला दिन है कॉलेज में। Why? Why? Have you not heard yesterday's news? Mehul, a first year student of Bhopal Medical College, committed suicide by jumping from the terrace of the hostel building. कह रहे हैं कि भाई एक ने जो है suicide किया है just because kind of ragging that has been done by the seniors. तो पार्टिकुलर एक एड्रेस दिया गया है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपको मैंने बताया यहाँ पे सिंपली जब हिंदी में सेंटेंस आया, सो जो माइक का आइकन बना आ रहा था वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में जो है बोल के फिनिश कीजिए, राइट? तो लेट्स कंटिन्यू वंस अगेन। हाँ मैंने सुना है घटना वास्तव में चौंकाने वाली है। यस आई हैव हर्ड दैट वॉज रियली स्केरी। यस आई हर्ड द इंसिडेंट इज रियली शॉकिंग। It was brutal ragging that led him to suicide. कह रहे काफ़ी खतरनाक वाली रैगिंग थी। असल में वरिष्ठ छात्र को रैगिंग के अपराध को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने शायद सुना नहीं, तो अगर जो है दोबारा हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन रियल Actually, the senior students should come forward to eradicate the malpractice of ragging. Okay, so यहाँ पे जो है सुनने में थोड़ी सी आई थिंक प्रॉब्लम हुई है, तो लाइक दिस यू नो अगर हमने मान लीजिए इन रियल यहाँ पे बोल के छोड़ दिया तो आर अटेम्प्ट वॉज दैट पार्ट ओनली। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है कंप्लीट सेंटेंस इन्होंने दिया है कि मान लीजिए अगर आप नहीं बोल पाए या फिर अटक गए बीच में, सो दे हैव वेल कम्युनिकेटेड द आइडिया दैट वॉज देयर इन द हिंदी पार्ट। एक्चुअली द सीनियर्स शुड कम फॉरवर्ड टू इरेडिकेट द मॉल प्रैक्टिस ऑफ रैगिंग, राइट? सो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप अटक भी जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट द सीनियर देमसेल्फ सपोर्ट रैगिंग। यस, तो मैं बस ये कह रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐप आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है? फ्रेशर्स यानी कि नए विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से यातना दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फिर जो है इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो लेट्स ट्रांसलेट दिस। फ्रेशर्स हैव टू फेस मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर्स। The freshers are tortured both physically and mentally. You're right. Sometimes this torture leads them to death. Continue कीजिए। कॉइंस आपको मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मुझे पता चला कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं। Now I got to know that why are you really that much scared. Now I know why are you so scared. लेकिन हमारे कॉलेज में रैगिंग के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसे ऐसे चीज़ों को देखने के लिए सतर्कता टीम को भी सामान्य कपड़ों में काम पर लगाया गया है। बट आर कॉलेज हैज़ द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रिलेटेड टू रैगिंग एंड डेफिनेटली देर आर ऑफिशियल्स हु आर इन सिविल ड्रेस। बट इन आर कॉलेज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आर गिवन। I heard that now colleges are also installed cameras everywhere to stop all these things. Continue कीजिए फिर से एक बार and let's go to the next part. बिल्कुल तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका साहसपूर्वक सामना करें, चुप रहने के बजाय उच्च अधिकारी से शिकायत करें। Very good. So there is nothing a kind of problem to be worried about. We can come definitely complain about this to the highest authority and we should not Exactly. So no need to be worried. I support your view. Let's move.
क्योंकि यहाँ पे हमने जो है फिर से एक बार मान लीजिए पॉज लिया, तो यहाँ पे इन्होंने फिर से कंप्लीट कर दिया है सेंटेंस को। तो हम यहाँ पे मान लीजिए मेन जरूरी नहीं कि हर बार आपका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली मैच खाना चाहिए वट एवर हैज़ बिन गिवन बाय दी ऐप, बट दैट वट एवर दैट हैज़ बिन गिवन बाय दी ऐप इज़ वेरी शॉर्ट। तो कोशिश कीजिए कि इसी टाइप से जो है सेंटेंसेस बनाए जाए, बट आपको अगर लगता है कि नहीं आपका सेंटेंस किसी और टाइप से भी बन सकता है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, जाइए और बनाइए वहाँ पे। बाकी इसको फिनिश करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, प्रैक्टिस दोबारा करना है तो प्रैक्टिस अगेन, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट कन्वर्सेशन दैट इज़ रियली ईजी, यू कैन गो एंड क्लिक हियर राइट। सो प्रैक्टिस अगेन एंड नेक्स्ट कन्वर्सेशन, बोथ दी आइकन्स आर हियर, सो यहाँ पर क्लिक कीजिए, देख सकते हैं दोबारा प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आर अनलिमिटेड अकाउंट, ये फीचर सिर्फ अनलिमिटेड अकाउंट वालों के लिए उपलब्ध है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करके अंग्रेजी आप घर बैठे सीख सकते हो, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।